हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और सिंपल सा पफ स्लीव से डिजाइन से बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई है 17 इंच और लंबाई भी है 17 इंच। फैब्रिक के सेंटर पर इस टाइप से डिजाइन से दिया हुआ है। इसे हम स्लीव के सेंटर पर रखेंगे। तो फैब्रिक को सेंटर से बिल्कुल डबल फोल्ड करेंगे बराबर मिलाते हुए। फैब्रिक की चौड़ाई थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जॉइंट लगाया है। अगर आपको 10.5 इंच लंबाई का स्लीव रेडी करना है तो आप फैब्रिक की लंबाई लीजिए 17 इंच। अगर आपको स्लीव की लेंथ कम या ज्यादा रखनी है तो आप इसकी लंबाई को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। चौड़ाई में है 8.5 इंच। अब हम यहाँ पर पहले सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच स्लीव्स की लंबाई रखनी है तो हमने 1 इंच प्लस करके 11.5 इंच पर मार्किंग की है और ऊपर हमने प्लीट्स बनाने के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब देखिए, यहाँ पर सीधी लाइन बनाएंगे और इससे नीचे हम सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। 5 इंच स्लीव्स की फिटिंग है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। इस लाइन से नीचे हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग है 5.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब फर्स्ट वाली मार्किंग को हम ऊपर की साइड में मिला देंगे। ये देखिए, इस टाइप से तिरछा शेप बनाते हुए और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप बनाकर स्लीव्स का शेप बना लेंगे। अब इस मार्किंग को हम नीचे वाली मार्किंग से मिला देंगे। यहाँ पर आप 1/2 इंच इतना लूजिंग ऐड कर सकते हो। फर्स्ट वाली मार्किंग को हमने फर्स्ट वाली मार्किंग से मिला दिया है और सेकंड वाली मार्किंग को इस टाइप से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मिला देंगे। तो ये हमारे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। आप भी इसी टाइप से आपके मेजरमेंट के स्लीव्स की मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ से जो भी फैब्रिक की चौड़ाई है उसका 1/2 कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से, और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब ऊपर की साइड से हम राउंड शेप बनाएंगे। ये देखिए इस टाइप से कॉर्नर में राउंड शेप बनाना है और इस शेप को स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग से मिला देंगे। ये देखिए इस टाइप से, तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। पहले हमने सिंपल स्लीव्स की मार्किंग की है और इससे ऊपर 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इस टाइप से शेप बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से बाहर वाली मार्किंग को कट करना है और सेंटर पर हम कट्स लगा लेंगे और साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पहले आप सिंपल स्लीव्स की मार्किंग कीजिए और इससे ऊपर 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए प्लीट्स बनाने के लिए। अब सेंटर पर हमने जो लाइन बनाई है वहां पर भी हम कट्स लगा लेंगे। तो इस टाइप से हमारा शेप रेडी हुआ। ये देखिए, इस टाइप से शेप रेडी हुआ है। अब हम इसमें प्लीट्स बनाएंगे। तो पहले हम बॉटम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से 1/2 इंच इतना फोल्ड करेंगे और फिर से 1/2 इंच इतना फोल्ड करके सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें प्लीट्स बनाएंगे। तो जो हमने कट लगाए हैं वहां पर हम इस टाइप से गहरी मार्किंग कर लेंगे और इन कट्स के यहाँ से ही हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लीट्स के मुंह भी कट्स की साइड ही रखना है और इस टाइप से बारीक बारीक सी प्लीट्स बनानी है 1/2 इंच की बीच वाले कट तक। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी प्लीट्स बनानी है और जब हम दूसरी साइड में प्लीट्स बनाएंगे तब उन प्लीट्स के मुंह भी दूसरी साइड वाले कट की साइड रखना है।
ये देखिए इस टाइप से, और इधर भी हम सेंटर वाले कट तक प्लीट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हाफ हाफ इंच की बिल्कुल बारीक बारीक सी प्लीट्स बनाएंगे और सिलाई लगाकर अटैच करते जाना है। सभी प्लीट्स की साइज एक जैसी रखनी है। ये देखिए हमने सेंटर तक प्लीट्स बना ली है, 4 से 5 प्लीट्स बनी है एक साइड, तो दूसरी साइड भी सेम हमको इतनी ही प्लीट्स बनानी है और इस साइड वाली प्लीट्स के मुंह दूसरी साइड रखना है। आगे भी इसी टाइप से स्लीव्स के न्यू न्यू डिजाइन से बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे न्यू लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो इस टाइप से बिल्कुल बारीक बारीक सी प्लीट्स बनाते जाना है और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। सभी प्लीट्स की साइज एक जैसी रखनी है। ये देखिए इस टाइप से हमने प्लीट्स बनाकर रेडी कर लिया है। तो हाफ प्लीट्स के मुंह हमने एक साइड रखे हैं और हाफ प्लीट्स के मुंह हमने दूसरी साइड रखे हैं। तो इस टाइप से हमारा स्लीव्स का शेप रेडी हुआ है। अब इसे हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। जैसे नॉर्मल स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से इस स्लीव्स को भी ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर पर मार्किंग करेंगे और शोल्डर के सेंटर से मिलाकर रखेंगे। पहले हम हाफ स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये देखिए सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पहले हम हाफ स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी हाफ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। जैसे सिंपल स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच करते हैं, उसी टाइप से स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। देखिए इस टाइप से सभी प्लीट्स सेंटर पर रहेंगे। अब ब्लाउज में हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जो भी आपके स्लीव्स की फिटिंग है मार्किंग कर लीजिए, उस टाइप से फिटिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर लीजिए। तो इस टाइप से हमारा आज का स्लीव्स डिजाइन से रेडी हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।